Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Shivastha. Hope you all are fine and safe and using your time in good things. स्टूडेंट आजकल लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव चैनल पे हम रिसर्च रिलेटेड टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं और अपने चैनल पे हमने अभी लेटेस्ट में एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है उसके बारे में जाना है। आज जिस टॉपिक को हम लेके डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन यानी कि मूल्यांकन के कौन से सिद्धांत होते हैं उसको आज की वीडियो में हम जानेंगे और कितनी स्केल होती है मेजरमेंट की उसको आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। स्टूडेंट सबसे पहले हमें मेजरमेंट और इवेल्युएशन के बीच के अंतर या मेजरमेंट और इवेल्युएशन होता क्या है उसके मीनिंग को जान लेना चाहिए और उसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक डेफिनेशन बताई जा रही है टेलर के अनुसार। ये कहते हैं मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स। न्यूमरल्स यानी कि अंकों को असाइन करना किसी रूल या सिद्धांत या नियम के तहत उसे हम मेजरमेंट या मापन कहते हैं। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ रूल फॉर असाइनिंग नंबर to object in such a way as to represent quantities to attribute। किसी भी प्रकार के गुण की जब हम गुणों की क्वालिटी क्वांटिटी को बताते हैं यानी कि उनकी संख्याओं को बताते हुए उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वहां पे नंबर के थ्रू उसको असाइन करते हैं देन इट्स कॉल्ड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जब हम किसी भी चीज के अंदर व्याप्त गुणों को जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में संबोधित करते हैं या बताते हैं या असाइन करते हैं देन इट्स कॉल्ड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। नॉर्मल स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो मेजरमेंट होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट और दूसरा होता है फिजिकल मेजरमेंट। तो बेसिकली जैसे कि इनके नाम से ही हम समझ सकते हैं और इन दोनों के बीच के अंतर को भी इस हिसाब से काफी क्लियर किया जा सकता है। जो आपका साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होता है इसे मेंटल ट्रेट और एटीट्यूड्स को ज्यादातर हम जानते हैं, यानी कि हमारे जो शारीरिक गुण हैं यानी कि ऐसे गुण जो कि हमें दिख नहीं सकते जो डायरेक्ट फॉर्म में हमें नहीं मिलते उनको जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसे साइकोलॉजिकल मेजरमेंट के अंतर रखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट फिक्स और ये जो मेंटल ट्रेड है आप उसको एकदम एग्जैक्टली 0.00 के फॉर्म में नहीं दे सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये फिक्स नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे नो 0 पॉइंट भी बताया गया है। इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्टली हमें दिखता नहीं है, लेस एक्यूरेसी होती है और जितना भी हम इसको जितने भी बखूबी माप लें कहीं ना कहीं एकदम एग्जैक्ट उसका आंसर आए उसके लिए थोड़ा एक्यूरेसी इसमें हमें कम देखने को मिलती है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। फिर भी हम साइकोलॉजिकल मेजरमेंट को यूज करते हैं बहुत आयत से अपने रिसर्च में। दूसरा जो प्रकार है वो है फिजिकल मेजरमेंट यानी कि भौतिक मापन मूल्यांकन। इसे एक तरीके से इन कॉन्क्रीट वे आप उसको पॉइंट वाइज पॉइंट जब आप चीजों को मेजर कर सकते हो, सपोज किसी चीज की लेंथ मापनी है, वेट मापना है या टाइम मापना है तो वो इन एक्यूरेट फॉर्म में होता है, कॉन्क्रीट फॉर्म में होता है, एग्जैक्ट फॉर्म में हमें वो दिखने को मिलता है तो फिजिकल मेजरमेंट होता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज फिक्स्ड, इसमें जो यूनिट होगी वो फिक्स्ड होगी, कॉन्स्टेंसी होगी उसमें और रियल जो जीरो का भी इसमें फॉर्म होगा, डायरेक्ट होगी एंड एक्यूरेट होगी। तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली अंतर है साइकोलॉजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल मेजरमेंट में। और फिजिकल मेजरमेंट एक तरीके से डायरेक्ट जिसे हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और उसमें रियल जीरो होते हैं और एक्यूरेसी इसमें ज्यादा होती है। वहीं दूसरे साइड साइकोलॉजिकल मेजरमेंट भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बट इसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी कम होती है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म में होता है और ये फिक्स नहीं होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल मेजरमेंट। मेजरमेंट और उसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल मेजरमेंट को समझने के बाद अब हम बात कर लेते हैं लेवल ऑफ मेजरमेंट की। तो लेवल ऑफ मेजरमेंट है वो किसी भी रिसर्चर को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम रिसर्च में अपने डेटा को एक तरीके से वेरीफाई करते हैं या उसको क्लासीफाई करते हैं तो वहां पे हमें लेवल ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहला है नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये भी अपनी फाइनेस्ट क्वालिटी के आधार पे नॉर्मल से आपके टफ की तरफ चलते हैं। तो नॉमिनल मेजरमेंट बहुत ही सिंपल सा मेजरमेंट होता है, जब हम 100 लोगों के गैदरिंग में ये चार्ट सकते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, मेल फीमेल कितने हैं, ओल्डर एंड यंगेस्ट कितने हैं, तो वो एक नॉमिनल सा होता है, लोएस्ट लेवल इसे हम कहते हैं। क्लासिफिकेशन इसमें मेजर होता है, इस प्रकार के मेजरमेंट में नॉर्मली हम क्लासिफिकेशन करके निकालते हैं यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसकी इनडेप्थ नॉलेज में नहीं जाते, क्लासीफाई हम करके छोड़ देते हैं।
ऑर्डिनल जो होता है वो नॉमिनल से थोड़ा बेटर क्वालिटी का होता है, और इसमें कहीं ना कहीं हम रैंक निकालते हैं हाईएस्ट लोएस्ट एंड मिडिल के फॉर्म में जब हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट के फॉर्म में देता है लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, जब हम लोगों की संख्याओं को दिखाते हैं इतने परसेंट लोग हाईएस्ट रैंक में है, इतने मिडिल एंड इतने लोएस्ट, तो वो ऑर्डिनल रैंक में आते हैं। इसके बाद आता है इंटरवल। इंटरवल जो होता है वो थर्ड लेवल का आपका मेजरमेंट होता है, और इसके भी कहीं ना कहीं नॉमिनल ऑर्डिनल से माइनस क्वालिटी का होता है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल एंड कंसिस्ट। इसकी जो यूनिट होती है वो इक्वल होती है, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट में उतना ही अंतर होता है जितना तीसरी और चौथी में होता है। तो इक्वल इंटरवल इसमें हमें देखने को मिलता है। इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड स्कोर जो होता है वो आपके इसके अंतर्गत आता है इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट एंड जो लास्ट आपका लेवल ऑफ मेजरमेंट में वो रेशियो है, ये हाईएस्ट लेवल होता है, प्योरेस्ट होता है, और इसमें 20 पॉइंट हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो जीरो होता है उसमें 0.00 के लेवल तक हम जा सकते हैं, तो 20 इसमें हमें देखने को मिलता है। लाइक अगर हमें किसी का वेट नापना है, हाइट नापना है, लेंथ नापना है, तो ये आपका रेशियो मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट, सॉरी फोर टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट की मीनिंग और टाइप्स एंड लेवल को समझने के बाद। जब हम मेजरमेंट करने चलते हैं तो एक रिसर्चर को कुछ प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ सकता है, तो इन प्रॉब्लम्स को हमें जानना जरूरी है। एक है इनडायरेक्टनेस इन मेजरमेंट। कभी कभी मापन में हमें डायरेक्शन जगह इनडायरेक्शन देखने को मिलता है। हम मापने तो शुरू करते हैं लेकिन सही रिजल्ट हमारे पास नहीं आ पाता है। इनकम्प्लीटनेस इन मेजरमेंट, जो मेजरमेंट है वो इनकम्प्लीट हमें देखने को मिलता है। रिलेटिविटी इन मेजरमेंट, एक मेजरमेंट दूसरे मेजरमेंट से कहीं ना कहीं रिलेटिव होता दिखता है। एंड इनर इन मेजरमेंट, और कभी कभी हम मेजरमेंट करते हैं और इनर हमें बार बार परेशान करता है, वो एक तरीके से प्रॉब्लम बन जाता है। तो आई होप स्टूडेंट, हमें आज की वीडियो में मेजरमेंट का मीनिंग समझ में आया है, इसके टाइप समझ में आए हैं और लेवल समझ में आया है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर इन योरसेल्फ।